देखें फिर कह रहे हैं कि टू टाइम्स द एक्स बराबर है थ्री टाइम्स द वाई के, और साथ ही फोर जेड के भी इक्वल है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा? क्या मतलब? टू एक्स अगर बराबर है थ्री वाई के और साथ साथ टू एक्स बराबर फोर जेड के भी है, तो इनका रेशियो क्या होगा? वेल, एक बात तो तय है कि हम कह सकते हैं कि भाई एक्स अपॉन वाई का रेशियो 3:2 होगा और एक्स अपॉन जेड का रेशो 4:2 होगा, ठीक है? यानी जेड से ये डबल बड़ा है। जेड अगर 2 यूनिट है तो एक्स कितने यूनिट है? 4 यूनिट, और वाई कितने यूनिट है? 3 यूनिट। तो अगर हम वाई से मतलब वाई अगर 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है, ठीक है? अब किस तरह कर सकते हैं? देखें, हम कोई ऐसी चीज़ नंबर ले लेंगे, जैसे कि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। 3 4 सा क्या होता है? 12 होता है। एक्स को 12 मान लें पहले, क्यों? मल्टीप्लिकेशन। अब कैसे किया मल्टीप्लिकेशन? इसका कैसे किया? 3 को 4 से कर दिया 12। अच्छा, अब देखें देखें ना, मेरी बात सुन लीजिए। वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8। भाई 3:2 का रेशो आना चाहिए ना, कट के 8 ही आएगा। और इसी तरह इसको क्या लिख सकता हूँ? 6। जेड को मेरे भाई ये देखें, ये 2:1 आ गया, ठीक है? 4:2 का मतलब क्या है? 2:1। और यहाँ से देखें, ये आ गया 3:2। अब फर्दर मजीद डिवाइड हो रहा है जी, यहाँ 2 के टेबल से हो रहा है, तो 6:4:3, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाए।